Evening all, welcome to another academy. Good evening, sir. Sanyam, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. So exercise 3.2 तो करनी है आज, बट उसको करने के लिए हमने करीब करीब सब कुछ कर लिया है, लेकिन मेन चीज आज करनी है एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. जो कल हमने स्टार्ट करी तो उसमें कोऑर्डिनेट्स का मतलब जो हमने सीखा था निर्देशांक, एक काम करो वो वाला फैन ऑफ करे हो, एक जना जाके रेगुलेटर के पास वाला एक स्विच ऑफ करना, दैट्स इट, और कुछ ऑफ मत करना. हाँ हाँ हो गया. हाँ तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मेन चीज थी जो आप कह रहे थे सर कोऑर्डिनेट की मदद से, कोऑर्डिनेट की मदद से दैट मींस निर्देशांक, निर्देश प्लस अंक, एक ऐसे नंबर्स जो डायरेक्शंस देंगे, वो नंबर्स कहाँ हैं, कहाँ दे रहे हैं डायरेक्शंस, कहाँ हैं वो कोऑर्डिनेट्स, ये तो बताओ. डायरेक्शन देने वाले नंबर्स को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, तो वो कहाँ हैं वो सीखना है आज. ठीक है, तो कल हमने कहाँ खत्म किया था वहीं से आज शुरुआत करेंगे. तो हमने कल कहाँ खत्म किया था, कुछ पॉइंट्स हमने 2D प्लेन पे मार्क किए थे, 2D प्लेन पे हमने कुछ पॉइंट्स मार्क किए थे. मैं वापस से कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ 2D प्लेन पे, लेट्स सी. जैसे कि मैंने ये लो कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए 2D प्लेन पर, जैसे कि मैंने यहां मार्क कर दिया ए, मैंने यहां मार्क कर दिया बी, फिर मैंने यहां करीब मार्क कर दिया सी, और फिर मैंने लेट्स से यहां मार्क कर दिया डी. आवाज आ रही है सक्षम, ओह सॉरी संयम, यहां मार्क हो गया ई. यस सर, यस सर. ओके, देन मैंने यहां मार्क कर दिया लेट्स से एफ. तो अभी ये खाली 2D प्लेन है, जिस संयम आ रहा है बस बीच में, वैसे तो खाली है ना, वो तो मान लो है ही नहीं, बट वैसे तो ये खाली 2D प्लेन है. तो इस खाली 2D प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं सारे बराबर है. मतलब ए से पूछे भैया तू कहाँ है, तेरी लोकेशन बता. हमारे इस चैप्टर का मेन मकसद क्या है, पॉइंट्स की लोकेशन को पता करना, लोकेटिंग ए पॉइंट. तो ए से पूछी भैया तेरी लोकेशन कहाँ है, तो कहेगा 2D प्लेन पे. बी से पूछी 2D प्लेन पे. जैसे सबसे पूछा सबकी लोकेशन निभाई है, तो हमको डिवाइड डिवीजन करना पड़ेगा. तो कल तक तो हमने एक तरीके का डिवीजन किया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचना, बस. उसके बाद का हमको नहीं पता चला सर आगे क्या हुआ, पर कल तक का काम ये था कि हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच के इस प्लेन को डिवाइड कर दिया 7 रीजन्स में. कितने रीजन्स में, तो लेट्स डिवाइड द प्लेन. तो मैं डिवाइड कर देता हूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच के. थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है वैसे, स्ट्रेट होती है ना. अभी मैं दोबारा दूसरी शीट पर बिल्कुल स्ट्रेट बना दूंगा, अभी थोड़ा रफली चल रहा है. और लेट्स सो दिस इज वाई एक्सिस, जो खड़ी लाइन है उसको क्या कहते हैं अपन, वर्टिकल एक्सिस, दैट मींस वाई एक्सिस. और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस, राइट. और ये जहां मिलती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओ बोले तो ओरिजिन. तो अब ए से पूछा भैया तेरी लोकेशन, तो अब ये क्वाड्रेंट्स बन गए, चार क्वाड्रेंट्स बन गए. बोलो दिस वन इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. ये क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गए. अब मैंने ए पॉइंट से पूछा भैया आपकी लोकेशन बताओ, तो नहीं कहेगा वो 2D प्लेन पे, वो क्या कहेगा सेकंड, 2D प्लेन के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट. अब मैं पूछूंगा बी टू का है, तो क्या कहेगा 2D प्लेन पे जो थर्ड बना हुआ है, जिसमें कहता हूँ ना निवाई शहर में जिंजाल कॉलोनी बनी हुई है वहां देता हूँ, तो ये 2D प्लेन पे जो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट बना हुआ है उसमें रहता है. ठीक है, ई पॉइंट का है, ई पॉइंट है साहब कौन सा क्वाड्रेंट था ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में. और डी पॉइंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सी पॉइंट का है, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस भी एक रीजन हुआ. एफ पॉइंट का है, ऑन वाई एक्सिस. ओ पॉइंट का है, ओरिजिन पे, वो भी एक पॉइंट है ना, तो ओ पॉइंट क्या है, ओरिजिन. तो सात रीजन्स में सात पॉइंट्स हमको दिखाई दे रहे हैं. यहां तक तो सर कल कर लिया, पर कल जाते जाते एक सवाल छोड़ दिया था कि सर इन क्वाड्रेंट्स के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अनगिनत हैं, तो फिर एग्जैक्ट लोकेशन तो अभी भी नहीं पता चली. फॉर एग्जाम्पल सर, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं एक पॉइंट और लगा दूं, ई के कहां तक आ गए थे हम, एफ तक आ गए थे, तो लेट्स से मैं जी पॉइंट यहां लगा दूं, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में. या मैं एच पॉइंट यहाँ लगा दूं, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में. मैं आई यहाँ लगा दूं, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो वापस सर घूम फिर के हम तो वहीं पे आ गए जो प्रॉब्लम थी पहले की बात, ये प्रॉब्लम हो गई, सबकी लोकेशन सेम हो गई. यूनिक लोकेशन बताओ, इसकी जो लोकेशन है उसकी नहीं होनी चाहिए, उसकी जो है इसकी नहीं होनी चाहिए, इसकी जो है इसकी नहीं होनी चाहिए,
तो अब रोल आएगा कोऑर्डिनेट्स का, निर्देशांकों का, निर्देश देने वाले नंबर्स का। समझ गए? अब क्या करेंगे हम, इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमने ड्रॉ करी थी ना, उस पे हम कुछ नंबर्स मार्क करेंगे जैसे हम नंबर लाइन पे करते थे। कैसे? ये तो जीरो है ही सही, और कुछ एक स्केल लेकर लाइक, अच्छा इनको इलेवेंथ वाले, चलो ठीक है ठीक है। तो एक कुछ भी स्केल लेके लाइक 1-1 सेंटीमीटर का ले लो, या 1-1 मीटर का ले लो, 1-1 मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 2 सेंटीमीटर, कुछ भी स्केल हम डिवाइड करके, और लेट्स से ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8। सर इस साइड नेगेटिव, अगर इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, वही सेम स्केल लेकर -1 -2 -3 -4। अभी थोड़ा ये रफ लग रहा है, मैं थोड़ा इसको फेयर कर दूंगा थोड़ी देर में अभी, है ना। अच्छा वाई एक्सिस पे भी चलेगा वो का वही सेम, कैसे क्या क्या नहीं वो नहीं करते इसमें, वो ग्राफ वो जो स्टेटिस्टिक्स वाला चैप्टर होता है उसमें करते हैं, स्टेटिस्टिक्स वाला चैप्टर नहीं है ठीक है, इसमें नहीं कर सकते, इसमें पूरे लिखने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 और नीचे भी। सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, -3, -4, -5 एंड सो। ठीक है समझ आया यहाँ तक अच्छे से? अब सर इनसे क्या हुआ, इनसे तो यूनिक लोकेशन नहीं मिल रही मुझे, अब इनसे यूनिक लोकेशन मिलेगी। देखो कैसे मिलेगी, ध्यान से सुनना, बड़े अब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। मुझे जी पॉइंट की लोकेशन चाहिए, आपको स्टार्ट करना है हमेशा ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट करना है? ओरिजिन से। राइट साइड अगर आप आ रहे हो तो प्लस में, और लेफ्ट साइड आ रहे हो तो माइनस में। तो जी तक जाने के लिए मैं पता है क्या करूंगा, पहले एक्स एक्सिस पे चलना है फिर वाई एक्सिस पे चलना है, हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है बाद में वाई कोऑर्डिनेट पता करना है। तो एक दो, दो कदम आप एक्स एक्सिस पे चले तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया 2, कॉमा, अब कॉमा लगाओ, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो दो कदम ही आप ऊपर चल रहे हो, 1 2, तो वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया 2। तो 2.2 इसकी लोकेशन है और ये यूनिक है, 2.2 इस पूरे प्लेन पे किसी और पॉइंट की लोकेशन नहीं हो सकती। समझ गए क्या? इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, ये है वो निर्देशांक जो निर्देश दे रहे हैं, ये वो नंबर्स हैं जो डायरेक्शन दे रहे हैं इस जी पॉइंट, जी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं। क्वाड्रेंट तो है, लेकिन क्वाड्रेंट में तो बहुत सारे हैं, अभी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं। समझ गए क्या? लेट से मुझे डी पॉइंट की चाहिए, तो डी पॉइंट की लोकेशन अब देखो सीध में नहीं दिख रहा है हालांकि, पर एक बार के लिए मान लो ये सीध में है ना, अभी मैं जब फेयर ग्राफ बनाऊंगा तो ये 4 के बिल्कुल सीध में या 3 के बिल्कुल सीध में दिखेगा। तो डी पॉइंट की लोकेशन हमेशा पहले स्टार्ट कहां से करना है, ओरिजिन से, और पहले एक्स एक्सिस पे चलना है बाद में वाई एक्सिस पे। सो इसकी लोकेशन पता करने के लिए मैं चल रहा हूं करीब करीब 4 की सीध में दिख रहा है, 1 2 3 4, और फिर ऊंचाई कितनी दिख रही है, ऊंचाई भी 4 के आसपास ही दिख रही है, देखो 1 2 3 4। तो क्या इसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, 4.4, पहला वाला हमेशा x कोऑर्डिनेट, बाद वाला हमेशा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। लेट्स से मेरे को i पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं ना, तो देखो 1 2 3 4 5, और 5 और 6 के बीच में है तो 5.5 भी हो सकता है, 5.5 है ना, तो x कोऑर्डिनेट तो क्या है 5.5। अब ऊंचाई कितनी है यहां से ऊपर, भाई देखो 1 2 3 4 5, 5.5 यहाँ आपके लिए अटक गया। अब यहां से ऊपर कितना गया, एक कदम ऊपर जा रहा हूं, चेक करो, एक कदम ऊपर जा रहा हूं, तो 5.5 कॉमा, यूं तो 5.5 आया, ऊंचा कितना गया 1। हमेशा x इससे ओरिजिन से स्टार्ट करो, पहले x एक्सिस पे चलो, पहले तो देखो डेप्थ कितनी जा रही है फिर ऊंचाई कितनी है, तो जितनी डेप्थ जा रही है वो तो एक्स कोऑर्डिनेट, जितनी ऊंचाई जा रही है वो y कोऑर्डिनेट। अब सपोज करो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ई पॉइंट के लिए वही अगेन पहले x एक्सिस पे, लेकिन अब ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना पड़ेगा। तो लेट्स से ये मान लो 4 की सीध में, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 4 तो हो गया इसका x कोऑर्डिनेट, लेकिन अब ऊंचा नहीं जा रहा हूं नीचे जा रहा हूं, तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ना होके क्या होगा, नेगेटिव। कितने कदम नीचे आ रहा हूं, 1 2 और 3, 3 मान लो, 3 की सीध में दिख रहा है, हां ठीक है, अभी एग्जैक्ट बनाऊंगा तो दिख जाएगा ना, मान लो 3 है तो -3, तो 4, -3 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, किसके, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। समझ आया? चलो इधर भी कुछ पॉइंट्स थे जैसे बी के कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। अब बी पॉइंट के लिए
पहले हमेशा x एक्सिस पे चलते हैं, y एक्सिस पे पहले नहीं चलते, तो ओरिजिन से आप इधर की साइड चलोगे, तो जब उधर चल रहे हो तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, जब इधर चलोगे तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। कितने कदम नेगेटिव चल रहे हो? 1, 2, 3, 4, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? अब उसके बाद ऊपर नहीं जा रहा हूं मैं, नीचे जा रहा हूं, कितने कदम? 2 कदम नीचे जा रहा हूं, 1, 2, तो -2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -4, -2, समझ आया? एक उसको भी ले लो, ए पॉइंट है, उसके लिए इधर आना पड़ रहा है 4 कदम, तो -4 तो हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब ऊंचा जाना पड़ रहा है, तो ऊंचा जाएंगे तो पॉजिटिव, कितना ऊंचा जाना पड़ रहा है? 1, 2, 3 या 4 ही मान लो एक बार के लिए, तो -4, 4 हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसे किसी भी क्वाड्रेंट पे कोई पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट्स पता लगा सकते हैं हम। अच्छा सर, जो पॉइंट खुद एक्स एक्सिस पे हो और वाई एक्सिस पे, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता लगाएं? लेट से मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, कुछ भी मान लो एच, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता लगाएं? तो वही ओरिजिन से स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कदम चले, तो 7 तो हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब ना तो ऊंचा जा रहा हूं ना नीचा जा रहा हूं, तो 0। भाई ऊंचा जाता तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता, नीचा जाता तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, हिलाई नहीं मैं तो वहीं रुक गया। वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे चलना ही नहीं है, 0 कदम चलना है, एक्स एक्सिस पे 7 कदम चलना है, वाई एक्सिस पे 0 कदम चलना है, समझ गए? तो 7, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अच्छा अगर सर कोई जैसे ये एफ है, ये वाई एक्सिस पे लाया कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे? वही ओरिजिन से स्टार्ट करो। अब इस पे आने के लिए या तो इधर या इधर, तो इस पे इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, सीधा नीचे आना है, तो मैं x एक्सिस पे नहीं चला आपकी बात, जैसे उसमें y एक्सिस पे नहीं चला था, इसमें x एक्सिस पे नहीं चला, तो इसका x एक्सिस पे नहीं चला तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है, चला ही नहीं ना, मैं ना इधर गया ना इधर गया, उसी पोजीशन से मैं नीचे आ गया, कितने नीचे आया? 3 कदम, 1, 2, 3, तो 0, -3 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ओरिजिन पे ना इधर जाना है ना इधर जाना है, ना ऊपर जाना है ना नीचे, एक्स एक्सिस पे भी 0 कदम, वाई एक्सिस पे भी 0 कदम, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0। हर एक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक होगा एक्स कोऑर्डिनेट, एक होगा वाई कोऑर्डिनेट। आप एक्स एक्सिस पे राइट साइड चल रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, लेफ्ट साइड चल रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, आप वाई एक्सिस पे अप साइड चल रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, आप डाउन साइड चल रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, उसके हिसाब से हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको डिराइव करने हैं। समझ आया क्या? अच्छे से समझ आया? ओके अब कल के नोट्स निकालो फटाफट, सब लोग निकाले हुए हैं। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के, सेकंड क्वाड्रेंट के, थर्ड क्वाड्रेंट के, फोर्थ क्वाड्रेंट के, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और ओरिजिन के हमने साइंस लिखवाए थे, और मैंने कहा था कल पता चलेगा इनका मतलब क्या। हाँ है सर वो साइंस, ये साइंस लिखवाए थे हमने, इसका मतलब पता है क्या था? इसका मतलब एक्चुअली ये था कि कोई पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है ना, कोई भी पॉइंट हो, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं अभी हम। देखो 2, 2, 2 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, 5.5 भी पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव, प्लस में है ना दोनों, साबित हो गया। अच्छा जी सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट लाया करता है ना कोई भी पॉइंट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाया कर रहा है, चेक करो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वेरीफाई हो रहा है, हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट पे आओ, थर्ड क्वाड्रेंट पे जो पॉइंट लाया करता है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स चेक करो, थर्ड क्वाड्रेंट में भाई साहब बैठे, ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आइए भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट लाया करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है पर वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, चेक करो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठा। अच्छा आगे भी चेक करो, रुको मत, जो एक्स एक्सिस पे लाए करे उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, फिक्स है, देखो 0, 0, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, चेक करो एक्स एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट लिया है, ये रहा इसका, देखो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लो लेफ्ट इधर ले लो, जैसे इसके ले लो तो इसके क्या होंगे? -4, 0, तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर y कोऑर्डिनेट इधर भी 0, y कोऑर्डिनेट इधर भी 0, तो प्रूव हो रहा है ना कि x कोऑर्डिनेट तो प्लस या माइनस दोनों हो सकता है पर y कोऑर्डिनेट 0 है, फिक्स है। तो उल्टा एक्चुअली, अगर कोई x एक्सिस पे लाया करे तो y कोऑर्डिनेट 0 है और कोई y एक्सिस पे लाया करे तो x कोऑर्डिनेट 0, उल्टा सिस्टम, सरल सी बात है। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाया करेगा, कोई भी पॉइंट, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वो y में तो गया ही नहीं, ऊंचाई में तो वो गया ही नहीं,
और कोई अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे लाया कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, क्यों? क्योंकि वो राइट से या लेफ्ट हो गए, राइट लेफ्ट नहीं जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चेक कर लो इसका। हमने एक वाई एक्सिस पे भी पॉइंट मार्क किया, ये रहा, तो इसका क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो फिक्स है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, चेक कर लो। वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जो वाई एक्सिस पे लाया कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो फिक्स है, ठीक है, और जो ओरिजिन है उसके तो कोऑर्डिनेट ही फिक्स है, जीरो कोमा जीरो, कोई प्लस माइनस कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर। समझ आया क्या? सातों रीजियंस में कोई भी पॉइंट कहीं पर भी लाया करे उसके साइंस हमको याद होने चाहिए मुंह जबानी। So, याद हो गए क्या? yes, पहले तो क्वाड्रेंट याद करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन। फर्स्ट एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस, माइनस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है। अभी देखो मेरी बात सुनो, जब जब आप इससे ऊपर रहोगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव रहेगा ना, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहो या सेकंड क्वाड्रेंट में रहो, इससे तो ऊपर हो ना, तो y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव रहेगा, इधर x कोऑर्डिनेट प्लस है, इधर x कोऑर्डिनेट माइनस है, लेकिन y कोऑर्डिनेट दोनों में प्लस है, तो प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट इस कोने में दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस, इसमें x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है लेकिन y कोऑर्डिनेट नीचे है, तो नेगेटिव, प्लस माइनस। याद हुआ क्या? प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, बोलो, प्लस प्लस माइनस, ठीक है। x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाया करे उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके साइन या तो प्लस कोमा जीरो या माइनस कोमा, मतलब y कोऑर्डिनेट फिक्स है सर, x कोऑर्डिनेट का कुछ कह नहीं सकते, प्लस भी हो जाए माइनस भी हो जाए, है ना। और y एक्सिस पे कोई लाया करे तो जीरो कोमा प्लस या जीरो कोमा माइनस। अब की बार सर, है ना, x कोऑर्डिनेट जीरो फिक्स है, y कोऑर्डिनेट प्लस भी हो जाए माइनस हो जाए कुछ कह नहीं सकते, और ओरिजिन तो सदा बाहर है जीरो कोमा, सबसे सरल यही है। क्लियर है क्या? ठीक है क्या? अच्छा जी, अब सुनिए नेक्स्ट थिंग, अब नेक्स्ट थिंग तो सुनिए, उसके लिए मैं एक फेयर ग्राफ बना रहा हूं, नहीं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाएंगे, ये ऐसा ग्राफ आएगा आपके सामने, है ना, या तो आएगा या बनाना, ऐसा ग्राफ आ गया और उस पे मैंने संयम, आपकी फोटो बंद हो गई, हमारा मन नहीं लग रहा आपके खिलाफ, आपके बिना, तो मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच दूं, अब सीधी आएगी बिल्कुल, ठीक है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस विल बी माई वाई एक्सिस, फाइन, ओके, पॉइंट्स भी अच्छे से मार्क हो जाएंगे इसमें, ग्राफ बना बनाया है हमारे पास, तो लेट्स से ये 1, 2, 3, 4, एक एक सेंटीमीटर के गैप पे है ना, 7, आपके ग्राफ शीट्स भी लगभग इसी तरीके से आती हैं, इधर क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से, इधर भी वही, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सिमिलरली नीचे -1, -2, -3, ठीक है, और ये जीरो रहता है, इधर से भी जीरो रहता है, इधर से भी जीरो रहता है, डन, कोई डाउट नहीं आता। अब मैं कोई एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं, उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो आप? मैं कहीं पर भी एक पॉइंट मार्क करूं, उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो बच्चों? बता सकते हो? वो एक्सरसाइज पढ़ी, अभी जो चीज सिखा रहे हैं उस पर फोकस करें, उसके लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने पॉइंट मार्क किया, ध्यान से देखो इस पॉइंट को और मुझे बताओ उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। 7, 2, इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको कौन सा रास्ता तय करना पड़ा वो सोचना पड़ेगा आपको, तो आपको कौन सा रास्ता, 7 कदम एक्स एक्सिस पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कदम एक्स एक्सिस पे और यहां से 2 कदम वाई एक्सिस पे, तो 7 कदम पॉजिटिव और 2 कदम भी पॉजिटिव, तो 7, 2, और वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, कुछ हिंट्स भी ले सकते हो आप, तो इसके कोऑर्डिनेट सर 7, 2, यहां तो कोई डाउट है किसी को? किसी को भी डाउट नहीं? एक और पॉइंट ले लेता हूं मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेता हूं, यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, एक्स एक्सिस पे 3 कदम चलना पड़ रहा है, 1, 2, 3 और वाई एक्सिस पे 4 कदम चलना पड़ रहा है, 1, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा, 3, 4, पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में हमेशा वाई कोऑर्डिनेट, डन। लेट्स से ये हो गया हमारा ए,
ये हो गया भाई, पॉइंट्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से नोट करें। अब सुनना ध्यान से सर, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो कौन होता है, क्या होता है बता दो। तो अभी तक तो ये पता है कि ये भाई साहब एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, ये भाई साहब एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं। सर डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन क्या बनेगी एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखना। इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर दूरी समझते हो, 90 डिग्री दूरी। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं एक पॉइंट हूं, सामने एक लाइन है, तो मेरी इस लाइन से दूरी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, बट करेक्ट दूरी क्या होगी, परपेंडिकुलर दूरी, जो सामने जाकर 90 डिग्री पे छुए वही करेक्ट दूरी होती है। ये दूरियां करेक्ट नहीं होती, तो कभी भी एक पॉइंट और एक लाइन की दूरी परपेंडिकुलर दूरी होती है। परपेंडिकुलर दूरी जज करनी है आपको, और कोई दूसरी दूरी जज नहीं करनी। तो सिमिलरली इस पॉइंट से इस लाइन, ये वाई एक्सिस एक लाइन है, तो इससे दूरी ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे, लेकिन मैं तो परपेंडिकुलर देखूंगा, तो ये सारी दूरियां नहीं देखूंगा मैं। कौन सी देखूंगा मैं सर, ये वाली दूरी देखूंगा ओनली एंड ओनली। कौन सी वाली, कौन सा कलर लगाऊं, ब्लू। ओके, आई विल मार्क ओनली दिस दूरी, मैं तो यही दूरी मानूंगा, ये इसकी परपेंडिकुलर दूरी है। थोड़ी सी टेढ़ी होगी, ठीक है, ये इसकी परपेंडिकुलर दूरी है कि नहीं बताओ, कितनी है सोचो। अगर आप इसको नापोगे, लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7। अरे तो सर एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी होती है, चेक करो। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट की दूरी तो होती है वाई एक्सिस से, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से दूरी होती है और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से दूरी होती है। अब मैंने कहा इस पॉइंट की इस एक्स एक्सिस से दूरी बताओ, तो परपेंडिकुलर दूरी वही सेम, कैसे माप करोगे, ऐसे। ये परपेंडिकुलर दूरी है इसकी, कितने यूनिट की दूरी है, अब इसको नापू स्केल से, तो एक एक सेंटीमीटर के डब्बे हैं, तो 2 सेंटीमीटर हो गया। तो चेक करो ये जो दूरी है ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, और ये जो लंबाई है ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो जो x एक्सिस से दूरी है इस पॉइंट की वो तो है y कोऑर्डिनेट, और जो y एक्सिस से दूरी है इस पॉइंट की वो है x कोऑर्डिनेट। तो यही डेफिनेशन है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। कोई भी कभी भी पूछे कि किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, आप कह देना y एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी होती है। कोई भी पूछे कि y कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आप कह देना x एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। समझ गए, अच्छे से समझ गए। सो हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। संयम समझ में आया? यस सर। ओके, सो x एक्सिस एंड y एक्सिस की डेफिनेशन लिख दो और उसके बाद सीधे चलेंगे हम एक्सरसाइज। हाँ, एक चीज और, x एक्सिस नहीं सॉरी x कोऑर्डिनेट, एक चीज और, इनके अलग अलग नाम्स भी हैं, तो x कोऑर्डिनेट का अलग से एक नाम रख दिया गया, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, क्या देख पा रहे हो, एप्सिसा। x कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, एप्सिसा, और y कोऑर्डिनेट का अलग से नाम क्या है, कोऑर्डिनेट। तो अगर आपसे कहे x कोऑर्डिनेट निकालो और या फिर आपसे कहे एप्सिसा निकालो, आपसे एक ही चीज, एक सेम चीज ही निकलवा रहा है, वो अलग अलग चीजें नहीं निकलवा रहा। या आपसे कहे y कोऑर्डिनेट निकालो या ऑर्डिनेट, ओ से स्टार्ट है इस वर्ड को, किससे स्टार्ट करेंगे, ऑर्डिनेट, तो सेम ही चीज है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर कहता है कि एप्सिसा निकालो, बच्चों को पता ही नहीं था एप्सिसा क्या होता है। एप्सिसा एक्चुअली वही x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट वही y एक्सिस से दूरी। ओके, सो लेट्स सी द डेफिनेशन। ये कुछ डेफिनेशंस है ना, ऊपर लिख देना हेडिंग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। द परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर दूरी हमेशा शॉर्टेस्ट दूरी होती है, होती है नहीं होती है। देखो सपोज करो मैं अभी इस पॉइंट पे हूं, लेट्स सी मैं इस पॉइंट पे हूं और मेरे को सामने वाली लाइन से दूरी चाहिए, तो मैं यूं जाऊंगा तो थोड़ा लंबा होगा। देखो इधर देखो, पहले मेरी तरफ, मैं पॉइंट हूं, वो एक लाइन है, मुझे इस लाइन को छूना है, दीवार को छूना है, मैं यूं जाऊंगा थोड़ी लंबाई हो जाएगी, थोड़ा सा यूं जाऊंगा थोड़ा शॉर्टेस्ट, थोड़ी कम हो जाएगी डिस्टेंस, फिर थोड़ी कम हो जाएगी, फिर थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन मैं अगर परपेंडिकुलर जाऊंगा तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होगी नहीं होगी। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की। ओके, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी परपेंडिकुलर दूरी शॉर्टेस्ट होती है। सो द परपेंडिकुलर ब्रैकेट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस तो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और फ्रॉम x एक्सिस होता है y कोऑर्डिनेट, उल्टा सिस्टम चल रहा है। तो एग्जाम में डेफिनेशन आया तो ये डेफिनेशन लिख के लाएंगे, है ना। हम मार्क करते हैं, वो हमारा तरीका अलग,
अलग चीज है, हमारा तरीका क्या है, ऐसे 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 करके, ऐसे 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 करके, वो एक अलग बात हो गई। तो आज आपको सर ने जल्दी छोड़ दिया, क्यों? सर को पसंद नहीं आया आज आप? जिम नहीं जाना था सर को? ओके, इनके अलग से नाम भी लिख देना। इट इज डिनोटेड बाय एब्सिसा, इट इज डिनोटेड बाय कोऑर्डिनेट। डन। एंड इट इज डिनोटेड बाय एब्सिसा एंड इट इज डिनोटेड बाय द वर्ड कोऑर्डिनेट। ये इसके घर के नाम है, जैसे होता है ना हमारे चिंटू पिंटू, चिंकी पिंकी रिंकी, घर के नाम, वैसे ही इसके घर के नाम है। एक्स कोऑर्डिनेट तो स्कूल में नाम रखवाया था और घर का नाम क्या है? एप्सिसा। आपको कैसा अजीब सा नाम है, तो घर के नाम अजीब से ही होते हैं, मोलू टोलू। और वाई कोऑर्डिनेट का घर का नाम क्या है? ओर्डिनेट। आपको याद आ रही होगी है ना कितनी सरल थी पहले मैथ्स, बैंड बच गई है, है ना? ऐसा लग रहा होगा कि हम बड़े ही क्यों हुए। एक लास्ट डेफिनेशन, ओरिजिन। यहां तक हो गया क्या? क्विक। आज अपने को क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है आज। कौन सी? थ्री पॉइंट थ्री। नोट्स पूरे हो गए थे, प्रॉपर्टीज वगैरह सब कर ली थी अपन ने। टेन ट्रिपल एंगल के लिए, टेन थ्री थीटा, कॉट थ्री थीटा, सब हो गया था। पक्का रिवाइज कर लो, फिर एक्सरसाइज में डायरेक्ट पूछूंगा मैं। अच्छा तो अभी बाकी है ना, अभी तो बाकी बच्चे, अभी तो प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट, दो प्रॉपर्टीज बाकी, फिर एक्सरसाइज। प्रोडक्ट टू सम, सम टू प्रोडक्ट। आप एक काम करो, ऑफिस ऑफिस में चल के ये वाला चाबी है पीसी ऑन कर लेना, तो 10 मिनट में फ्री करके वहीं आ रहा हूँ। सो ओरिजिन की डेफिनेशन देखो बेटा, डेफिनेशन ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टकरा जाएं, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। ओरिजिन की डेफिनेशन कल लिखी थी क्या? कल नहीं लिखी थी, कल ये वाला पार्ट हमने पहले कर लिया था ना, ये नहीं करना, बस आपको यहां तक करना। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ओ एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0,0। ठीक है, देखो रियल लाइफ सिचुएशन में भी लोकेशन को कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। आपने कभी कोई सस्पेंस मूवी देखी हो, या जैसे क्राइम पेट्रोल, या ऐसे वैसे देखना नहीं चाहिए आपको उस एज में, बट अगर कभी एक्सीडेंटली देख लिया हो, तो वहां पे जैसे मान लो किसी क्रिमिनल की आपको ना पुलिस को लोकेशन पता करनी है, तो वो कहता है फोन पे फटाफट उसके कोऑर्डिनेट्स भेज। आपने कभी ये लाइन सुनी है? फटाफट उसके कोऑर्डिनेट्स भेज, तो कोऑर्डिनेट्स मतलब उसके एग्जैक्ट लोकेशन भेज, गूगल मैप पे उसके एग्जैक्ट लोकेशन भेज। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब सेम टू सेम वही चीज है, एग्जैक्ट लोकेशन। अभी मैथ्स में दो नंबर से जो एग्जैक्ट लोकेशन दे रहे हैं, वहां पे कुछ अलग अलग चीजें होती है। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है? तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन, समझ में आ गई? बंद क्यों कर रहा है, एक्सरसाइज कौन करेगा? पापा जी आप बोले इसको करके जाओ। मैंने कब बोला इसको करके जाओ? बोला मैंने एक बार भी? अगर इसको कर लो, ऐसे तो ना बोला कर जाओ, अगर ऐसा बोला होता तो औरों के भी कॉपीज बंद हो जाती है अभी। हाँ जी, क्लियर है? तो तीन डेफिनेशन क्लियर है, रिद्धि क्लियर है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, किससे? वाई एक्सिस से। y एक्सिस से छोटी से छोटी दूरी ही x कोऑर्डिनेट होता है, या y एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लो। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? उल्टा, x एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, x एक्सिस का दूसरा नाम, घर का नाम
एब्सिसा, स्पेलिंग एस सी आई एस एस ए, एब्सिसा कल तक याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम तो बहुत सरल है, कोऑर्डिनेट का को खा जाओ, ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट उसका क्या खा जाओ, ओ सी ओ खा जाओ, तो क्या बचेगा ordinate. लेकिन इसको ऐसे मत बोल देना वाई ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट है, उसमें वाई लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा है ना, तो इसको ऐसे बोलने की जरूरत थोड़ा, एक्स एब्सिसा, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम है। तो सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट है, उसके अगर फिर से वाई लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली ऑर्डिनेट बोलना है या वाई कोऑर्डिनेट बोलना है, ठीक है। ओरिजिन की डेफिनेशन, जहां पे ये दोनों टकरा जाएं वो उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का वैसे मतलब पता है क्या होता है, उत्पत्ति। तो इस पॉइंट से उत्पत्ति हुई थी, इस पॉइंट से कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, तो ये बन गया सब कुछ, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट बन गया, ठीक है, क्लियर। चलते हैं अब एक्सरसाइज, देखो एक्सरसाइज कितनी सरल लगी, अब मजा आएगा आपको यार, ऐसे ही सरल मैथ्स मजा आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, अब आप ये पूरी एक्सरसाइज विल बी ट्रीटेड एज होमवर्क, कल से सर ने छुट्टियां लगाती हैं 7 दिन की, और गर्मी को मद्देनजर रखते हुए तो आपके पास सफिशियंट टाइम होगा इस एक्सरसाइज को करने का। तो अभी मैं रफली सॉल्व कर रहा हूँ, आप वीडियो से देख देख के भी सॉल्व कर सकते हैं अपने आप से, बहुत सरल एक्सरसाइज। ओके, लेट्स सी द एक्सरसाइज। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन। एक अच्छा कोऑर्डिनेट प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, नहीं बताया हो तो सुन लें। कोऑर्डिनेट प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्टेशियन नामक मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया था। कार्टेशियन उस मैथमेटिशियन का नाम है जिसने इस प्लेन के बारे में जानकारी दी, कोऑर्डिनेट प्लेन को, 2D प्लेन जो होता है ना, 2D प्लेन, उसको ये जो खाली जगह थी ना, खाली जगह वो प्लेन थी, उस प्लेन का नाम रख दिया कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि उस प्लेन के बारे में जानकारी कार्टेशियन ने दी। ओके, बस उसके उसके नाम से शुरू कर दो मामला, ठीक है। तो आप कहीं भी रफली नोट कर सकते हो कि प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, 2D प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट्स द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आप बनाते हो एक पॉइंट की पोजीशन पता करने के लिए कार्टेशियन प्लेन में, उनको क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है इसका नाम है एक्स एक्सिस और इसका नाम है वाई एक्सिस। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में से आंसर बनाना आता है सबको। The name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane are x-axis and वो तो बेटा coordinates हैं, ये lines हैं, वो तो वो numbers हैं जो direction दे रहे हैं, ये तो lines हैं। Okay, confused मत होना, उसका question भी अभी आ रहा है अगला ना। चलो, What is the name of each part of the plane formed by these two lines? ये जो दो lines की बात चल रही थी, इससे जो चार parts बनते हैं, उनका नाम क्या है? Quadrant. The name of each part of the plane formed by these two lines is quadrant. Quadrant. या quadrants. ठीक है? Write the name of the point where these two lines intersect. ये x-axis और y-axis जहाँ पे intersect करे. The point where these two lines intersect is origin. खत्म. ठीक है? Next. See figure 3.14. अब 3.14 figure देखे कुछ questions के answers आपको देने हैं. So 3.14 figure दिखाते हैं. Next sheet पर है. कुछ इस टाइप का फिगर है, ये फिगर है ना, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, मुझे नहीं आपको देखना, बुक आप ले लो बेटा, मैं तो ले लेके थक चुका हूं, मैं तो ले लेके थक चुका हूं। अब आप मुझे क्वेश्चन बताया जाओ, ठीक है। ये प्लेन है हमारे पास और ये कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, किए हुए हैं, सबके पास बुक है, दिख रही है सबको ये पॉइंट्स एंड ये प्लेन और ये पॉइंट्स, यदि आपको दिखे पेज नंबर 61 है क्या, देखना, हाँ आपके बुक में नहीं है, हैं हैं, ओके चलो मिल गए। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो पहले तो बी को सोचो, बी भैया तुम कहाँ हो, और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ।
तो बी का है बी 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 का है बी, ये रहा बी, ये रहा बी। अब बी जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हो ना हो सेकंड क्वाड्रेंट के साइन क्या होते थे? तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव की फॉर्म में है, लेकिन आएंगे क्या वो पता करने। तो देखो इस बी तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो ऐसे जाके ऐसे जाओ और एक ऐसे जाके ऐसे जाओ, पर रास्ता नंबर टू नहीं चुनना कभी भी। हमेशा कौन सा रास्ता चुनना है? जिसमें पहले एक्स एक्सिस पे जाओ और बाद में वाई एक्सिस। तो रास्ता नंबर वन क्या होगा? ऐसे जाके ऐसे, ना कि वैसे, पहले वाई एक्सिस पे नहीं चलना है कुल मिलाकर। ओके, सो इधर कितने कदम चले आप? एक दो तीन चार पांच, और क्योंकि लेफ्ट साइड चले तो माइनस फाइव, अगर राइट साइड चलता तो प्लस फाइव, लेफ्ट साइड चलता तो माइनस फाइव, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? और यहां से फिर आप दो कदम ऊपर चले, एक दो, तो दो कदम ऊपर चले तो प्लस टू। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस कॉमा पॉजिटिव फॉर्म में आ रहे हैं, माइनस फाइव कॉमा टू। समझ गए क्या? समझ गए। अब इसका आंसर कैसे लिखना है? इसका आंसर हमको ऐसे लिखना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, कोऑर्डिनेट्स दो है ना, दो है ना, हर एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आर लगाएंगे। जिसके पास एक होता तो इस लगाता। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर क्या आंसर आया था? और इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ब्रैकेट लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट, पहले एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा फिर वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है रिधि, समझ में आया? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर रिधि देगी। रिधि फिगर से देखकर बताओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कहां है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहां है, फिगर से देखकर बताओ आप। मैं फिगर दिखा देता हूं, सी सी सी, वेयर इज सी? ये रहा। हां बोलो, क्या बोला बेटा? आपका नाम रिधि है, मम्मी को बोलो जल्दी से कोई लड़को वाला नाम रखे। जब मैं कह रहा हूँ रिधि, दैट मीन्स आई वॉन्ट ओनली रिधि टू आंसर। ओके, हाँ कॉमा भी लगाओ, फाइव कॉमा माइनस फाइव करेक्ट है क्या? करेक्ट है क्या? अब पूछ रहा हूँ आपसे। ओके, सी देखो, सी हम स्टार्टिंग ओरिजिन से करनी है, एक दो तीन चार पांच, तो पांच तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और यहां से नीचे आ रहा हूं, नीचे आ रहा हूं तो नेगेटिव लग गया। कितने कदम नीचे आ रहा हूं? एक दो तीन चार पांच कदम ही नीचे आ रहा हूं, तो फाइव कॉमा माइनस फाइव हो जाएगा। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर फाइव कॉमा माइनस फाइव। तीसरा क्वेश्चन बोल के बता। हाँ, अब दूसरा, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या था? पॉइंट दे दिया, कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है? कोऑर्डिनेट्स दे दिए, पॉइंट पूछ लिया कि इन कोऑर्डिनेट से आइडेंटिफाई होने वाला पॉइंट बताओ। तो माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव की लोकेशन पे आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है बताना है। ये उससे भी आसान सवाल है, बताए क्यों? देखो दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में एक आध पॉइंट ही होगा, वही आंसर है। तो ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है अगर कोऑर्डिनेट्स देके पॉइंट पूछ ले तो, आप साइन देखकर ही बता सकते हो। हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में अगर दो तीन पॉइंट होते तब थोड़ा देखना पड़ता, लेकिन एक क्वाड्रेंट में कभी पर भी एक ही पॉइंट दिया इसने तो वही आंसर होगा, क्योंकि माइनस कॉमा माइनस वाला पॉइंट दो दो दे दे तो फिर देखना पड़ेगा। ना सर, अच्छा दो दिए थे क्या? हाँ दो दिए, तो फिर देखना पड़ेगा। देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक एक है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में दो दो हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो था लेकिन एच था या ई था, ये देखना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या थे बताना? माइनस थ्री कॉमा एंड नहीं, माइनस थ्री कॉमा, लिखने का बोलने का तरीका बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। अगर आप इसमें एंड लगा के आ जाओगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। तरीका एक्स कोऑर्डिनेट फिर कॉम लगा के वाई कोऑर्डिनेट फिर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट होना चाहिए। ओके ठीक है, हाँ तो माइनस तीन कदम चलो, कैसे चलेंगे? एक दो, लेफ्ट साइड में तीन कदम चलना है, माइनस तीन कदम है, और फिर माइनस फाइव यानी नीचे की साइड पांच कदम चलो, एक दो तीन चार पांच। ई पे लैंड हो रहा हूं मैं, किस पे लैंड हो रहा हूं? ई पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट ई। कैसे लिखेंगे हम, प्रेजेंट कैसे करेंगे? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव इज, पॉइंट तो एक ही है, कोऑर्डिनेट्स दो हैं, अबे आंसर पॉइंट का है, कोऑर्डिनेट्स का नहीं है। नहीं समझ आया? समझ गया। देखो इसका आंसर जो है उसमें दो आंसर है, इसलिए आर लगाया था। इसका आंसर, आंसर तो एक ही पॉइंट है ना, आंसर तो एक ही पॉइंट है ना, सवाल में दो चीजें हैं, जवाब में तो एक ही चीजें है, तो ए या तो सिंपली ई लिख दो और नहीं तो पॉइंट ई लिख दो, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। सक्षम, ठीक है बच्चों, क्या जाएगा? इस पॉइंट ई। ओके चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट फटाफट खत्म करो।
तो चीज से मत लिया टू एंड माइनस द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स फिर टू एंड टू कॉमा माइनस फोर तो टू कॉमा माइनस फोर पहले क्वाड्रेंट पता करो प्लस कॉमा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट्स हैं दो हैं क्या दो हैं तो पता करना पड़ेगा क्या क्या कोऑर्डिनेट्स थे टू कॉमा माइनस फोर तो दो कदम यू चला चार कदम नीचे चला तो जी पे लैंड हुआ उसके आगे इस पॉइंट जी लिख दूंगा मैं इस पॉइंट जी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो एप्सिका नहीं एप्सिसा द एप्सिसा ऑफ द पॉइंट डी अब सुनो एप्सिसा का मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस तो बेटा लाइन है एक्सिस तो लाइन है जो पॉइंट जो नंबर है वो तो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट तो एप्सिसा का मतलब क्या है तो आप इसको कन्वर्ट कर लो लेट से आपसे एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कौन से पॉइंट का बेटा पॉइंट डी के पास दो कोऑर्डिनेट होंगे एक होगा एक्स कोऑर्डिनेट एक होगा वाई कोऑर्डिनेट आपसे केवल और केवल क्या पूछ रहा है तो आप केवल और केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही बताया अगर आपने दोनों बता दिए तो फिर गलत हो गए जितना पूछे उतना ही आंसर देना है तो डी पॉइंट के पहले तो चलो दोनों कोऑर्डिनेट्स बताओ डी पॉइंट ये रहा यहां तक पहुंचने का रास्ता एक दो तीन चार पांच छह एक दो तो सिक्स कॉमा टू तो इसका आंसर अगर मैं सिक्स कॉमा टू लिख दिया तो गलत हो जाएगा उसने दोनों पूछे ही नहीं ना उसने तो केवल एप्सिसा पूछा है दैट मींस उसने केवल एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है तो आपको केवल और केवल सिक्स लिखना है इस सिक्स ऐसे लिखना है ठीक है रिद्धि समझ में आया ठीक है एप्सिसा पूछे तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही बताओ कोऑर्डिनेट पूछे जैसे अगले में पूछा तो केवल वाई कोऑर्डिनेट ही बताओ और कोऑर्डिनेट्स ऐसे पूछे जैसे पहले ही पहले क्वेश्चन में पूछ रहा था तब दोनों बताओ तो बताओ मुझे पॉइंट एच का ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट बोले तो वाई कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो पॉइंट एच का है पहले तो ये बोलो बताओ मुझे नीचे रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट एच तो पहले तो चलो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं हम तो दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे एक दो तीन चार पांच तो माइनस फाइव एक दो तीन माइनस थ्री अब इसमें से क्या दोनों पूछे क्या उसने केवल वाई कोऑर्डिनेट पूछा है तो उसे आगे लिखूंगा मैं इस लगा के माइनस थ्री डन ओके अगला क्वेश्चन अब कोऑर्डिनेट्स मतलब दोनों एल पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स ही एल पॉइंट कहाँ रह गया अब एल कोऑर्डिनेट किसी क्वाड्रेंट में नहीं है कहाँ है ढूंढो वोरा दिखा छुपके बैठा था ठीक है वाई एक्सिस पे लाए कर रहा है किस पे लाए कर रहा है और y एक्सिस पे लाए होने वाले किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होता है और x एक्सिस पे लाए होने वाले का y कोऑर्डिनेट जीरो होता है क्योंकि इधर तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से ना तो इधर जाना ना इधर जाना तो जीरो कदम चला मैं सीधे ऊपर जाना ठीक है कितने कदम ऊपर जाना पांच तो जीरो कॉमा फाइव हो जाएंगे इसका आंसर इज या आर 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 क्योंकि अपने दोनों कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है जीरो तो बेटा अगर अगर जीरो अगर मैं अगर एक करोड़ से आगे सारे जीरो हटा दूं तो एक रुपया रहता है जीरो का मतलब किसने का नहीं होता ठीक है तेरे को एक करोड़ का चेक दे दूं और उस पर जीरो हटा के दे दूं चलेगा तेरे को मान लो कौन बनेगा करोड़पति में गया तू एक करोड़ रुपए जीत गया ठीक है मान ले थोड़ा सोच ले सोच रहा है सर तो ही नहीं सकता चल ठीक है हो गया मान ले तो उसमें अगर मेरे को जीरो हटा के केवल एक लिख के दे दूं तो तू राजी राजी आ जाएगा क्या तो फिर है जी तो है जीरो का मतलब लड़ लेगा तू तो हाँ वहां पे क्रांति ले आएगा ओके सो आर लगा के 0.5 लिखना है क्लियर ठीक है और सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन देखना एम का है एम एम ये रहा एक्स एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाए करे उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो पक्का है अब एक्स कोऑर्डिनेट पता कर लो तो एक्स एक्सिस पे कितने कदम चल रहे हो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस थ्री कॉमा जीरो आंसर हो जाएगा इसके आगे भी आर लगाना है आर माइनस थ्री कॉमा जीरो सुनो अब यहाँ से इस एक्सरसाइज को तो करना है पूरे इस एक्सरसाइज में आपको ये फिगर बनाना है हाँ फिर क्वेश्चंस करने हैं और जब आप फिगर बनाएंगे तो जैसा इसमें बना हुआ है वैसा तो बनाना ही है पर इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स भी साथ के साथ लिखते जाने जैसे डी के क्या है कॉमा टू जी के क्या है अरे पूरी बात सुन लो जितनी स्पीड में आप नोटबुक रखोगे उतने ज्यादा होमवर्क मिलता जाएगा टू कॉमा माइनस फोर और बैग लगा दोगे तो ज्यादा ही मिलेगा फिर माइनस थ्री कॉमा जीरो ओके एच के क्या है माइनस फाइव कॉमा माइनस थ्री ठीक है ये सब लगाना है
अब सर एक्सरसाइज वन का क्या करना है, मैंने क्या कहा था एक्टिविटी है, इसके बाद चैप्टर ओवर। अच्छा अभी तो एक और एक्सरसाइज है क्या? नहीं है सर। आपकी बुक में से ऑमिट हो गई है ना, आपकी बुक में से ऑमिट हो गई इस साल है ना, लास्ट ईयर की। चलो हाँ तो एक्सरसाइज 3.1 तो देख ले, बढ़िया बात है। 3.1 क्या कह रहा है, एक्टिविटी है घर पे बैठ के करने की। एक लैंप खरीदते हुए जाना बाजार से, लैंप लैंप। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। सपोज करो आपने अपनी स्टडी टेबल जो कि बनाई नहीं होगी कभी किसी ने, बनाई स्टडी टेबल पे पढ़ो सब लोग करते हैं, नहीं पढ़ते लेटते लेटते पढ़ते हैं कल पलंगों पे, गलत बात है ना। स्टडी टेबल जब आप बनाओ छोटी सी टेबल, उस पे एक लैंप रख दिया। अब आजकल तो क्या है इन्वर्टर हो गए तो लाइट जाती नहीं है, पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती थी तो एक लैंप रख देते थे बच्चे पढ़ने के लिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस लैंपों में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो लैंप को रख तो दिया, लेकिन अब वो जो टेबल है वो एक प्लेन है, तो टेबल है वो क्या है एक प्लेन है, तो उसके ऊपर वो उसके ऊपर जो लैंप रखा हुआ है वो एक पॉइंट मान लो, एक पॉइंट को घेरे हुए, तो जरूरी क्या ओरिजिन कोने में रखा हुआ हो तो, है ना। तो उसकी पोजीशन आप किसी दूसरे पर्सन को कैसे बताओगे, ये एक्टिविटी करके बतानी है। तो आप पहले पर्सन को बुलाना, उसको बिठाना, आप उस प्लेन पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना, फिर उस पर पॉइंट्स मार्क करना 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1, और फिर उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, और कोऑर्डिनेट्स निकाल के बता देना कि इस लैंप की पोजीशन इस टेबल पे ये कर लेना, ठीक है। एक्टिविटी है, एग्जाम में तो नहीं आएगी, घर पे कर लेना। दूसरा क्वेश्चन, एक स्ट्रीट प्लान है। स्ट्रीट प्लान क्या होता है, जैसे भी आप इंदिरा कॉलोनी में घुसोगे तो ये तो है मेन रोड, फिर ये गलियां, इधर भी गलियां, इधर भी गलियां, इधर भी कहते हैं गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, और ये है मेन रोड। तो स्ट्रीट प्लान ऐसा ही होता है जिसमें ऐसे रोड्स बने रहते हैं। तो एक स्ट्रीट प्लान है जिसके दो मेन रोड हैं, कितने मेन रोड हैं, तो जो दो मेन रोड हैं वो तो मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर, जो कि एक दूसरे को बिल्कुल शहर के सेंटर पे छूते हैं, मान लो वो ओरिजिन हो गया, मेन रोड जो है सेंटर पे छूते हैं। दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक रोड तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग है, वाई एक्सिस कह लो उसको, और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग है, एक्स एक्सिस कह लो उसको, बिल्कुल सेट करके दे रहा है आपको ये कार्टेशियन प्लेन। आगे क्या कह रहा है, पढ़ तो लो क्वेश्चन तो पूरा। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी आर रन पैरेलल टू दीस रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। अब ये मेन रोड से पैरेलल छोटी छोटी गली है, कैसे है? जैसे कि ये है, ये तो है मेन रोड, और ये जो छोटी छोटी जो थोड़ी सी धुंधली सी दिख रही है, छोटी धुंधली दिख रही है ना, कहाँ है ये, जैसे ये 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 दिख रही है, ये वो गलियां हैं, और ये गलियां एक दूसरे से 200-200 मीटर अपार है, 200 मीटर के बाद एक गली, फिर 200 मीटर के बाद दूसरी गली, फिर 200 मीटर के बाद ये लाइन्स दिख रही है ना, ये गलियां, ये भी गलियां, ये सारी गलियां, ये तो मेन रोड है और ये सारी की सारी गलियां हैं, ऐसे एक स्ट्रीट प्लान बना हुआ है, समझ गए। वो तो सारा कार्टेशियन प्लेन पर ही देगा क्वेश्चन, ठीक है। अब करना क्या करना क्या करना क्या, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4.3। तो 4.3 पे, अच्छा क्रॉस स्ट्रीट का मतलब होता है जहां पे दो गलियां आके मिले। देखो हर जगह ओरिजिन क्यों दिखाई देता है, ओरिजिन पे तो मेन रोड मिल रहे हैं, बाकी ये गलियां भी तो कहीं ना कहीं मिल रही हैं, जैसे यहाँ मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, ये गलियां भी तो मिल रही हैं कहीं ना कहीं, इनको कहेंगे क्रॉस स्ट्रीट। क्या कहेंगे, चौराहा। क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा, और ये सेंटर का मेन पॉइंट, पूरे शहर का मेन सेंटर है जहां पे मेन रोड मिल रहा है। तो ये जो चौराहे हैं, तो चौराहों पे कौन सा वाला चौराहा चाहिए उसको, 4.3। तो 4.3 वाला चौराहा चेक करो कहाँ है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4.3 हो जाएगा, बताओ। तो ये क्या कह रहा है कि कितने चौराहों को आप 4.3 से मार्क कर सकते हो, केवल एक, क्योंकि एक 2D प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन पर हर एक की यूनिक लोकेशन होती है। 4.3 जिस पॉइंट की लोकेशन है वो उसी की रहेगी, किसी और को नहीं मिलेगी, और एक पॉइंट की एक ही लोकेशन होगी, जैसे इस पॉइंट की 4.3 है तो इस पॉइंट की 4.3 मिलेगी, तब को ऐसे नहीं हो सकती कि सर 5.4 भी हो गई, नहीं, हर एक की यूनिक लोकेशन रहेगी। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एस 4.3, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एस 4.3, केवल वन। सेकंड में, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एस 3.4, 3.4 का भी एक ही रहेगा, देखो 3.4 का आएगा, तीन कदम अब यूं चलो, 1 2 3 और 4 कदम हो गए, ये दो डी पॉइंट है, ये तो सही 3.4, तो ये तो है 4.3, वो है
तो 4.3 पे भी एक ही चौराहा है और 3.4.3 पे भी एक ही और 3.4 पे भी, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट, ओनली चौराहा। ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन एक्टिविटीज कहते हैं, चाहो तो कर लेना। बाकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 पूरी की पूरी मुझे चाहिए विद प्रॉपर स्टेप जब हम नेक्स्ट मिले। ठीक है, ग्रुप में अपडेट कर देंगे, वैसे क्लास 20 तक रही है, कुछ आगे तो अपडेट कर देंगे। ठीक है, ओके, चलो भागो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।